फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुझे एगलिंग दिखाई दे रहा है। ये हर सप्ताह में एगलिंग है। हमारा डिवीज़न सक्सेस हुआ है। ये प्यूपा स्टेट में है। हम कैमरा को थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हर सप्ताह में एगलिंग है। फ्रेंड्स अभी हम इसमें क्वीन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मिल जाएगा तो हम आपको दिखाऊँगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये क्वीन भी है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा। मार्च मंथ का पहले हमने डिवीजन किया था। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा ख्याल से इसमें क्वीन भी है, इसलिए एक्स्ट्रा सप्ताह बनाया है हनीबीस ने। फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी बी बॉक्स लग रहा है मुझे। शायद इसमें क्वीन है, फिर भी हम चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स मेरा आइडिया सही निकला है। इसमें आप देख सकते हैं ताज़े अंडे हैं। एक ही सप्ताह में एक ही अंडे हैं। इसका मतलब यही है कि इसमें हमारा डिवीज़न सक्सेस हुआ है और इसमें एक हेल्दी क्वीन हुआ है। अभी हम क्वीन बी को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल बी कीपिंग। फ्रेंड्स 1 मंथ पहले हम 2 बी बॉक्स से 5 डिवीज़न किया था। आज हम चेक करूंगा। कुछ दिन पहले हमने देखा बहुत ड्रोन बीस और वर्कर बीस बाहर आया था। उस टाइम शायद क्वीन बी ने ड्रोन बी के साथ मेटिंग किया था मेरा ख्याल से। उसका भी वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन क्वीन बी को हम आपको नहीं दिखा पाया। आज हम चेक करूंगा इसमें एगलिंग है या नहीं है। मेरा ख्याल से एगलिंग होगा, क्योंकि जब मैंने इन बी बॉक्स को डिवीज़न किया था तब इसमें मेसुरेट क्वीन सेल था। हमने 2 क्वीन सेल सहित इसको डिवीज़न किया था और इसमें ड्रोन बीस भी था और ड्रोन सेल भी था। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना मधुमक्खी है इन बॉक्स में। अभी हम इन बॉक्स को चेक करूंगा अच्छी तरह। फ्रेंड्स अगर आप हमारा चैनल में नया है तो प्लीज़ हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल में दिखाया जाता है एपिसेरना इंडिका देशी मधुमक्खी घर में आसानी से कैसे पालन किया जाता है विदाउट माइग्रेशन, और नेचुरल परिवेश से कैसे कैप्चर करके आर्टिफिशियल कृत्रिम बॉक्स में डाला जाता है वो भी दिखाया जाता है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कितना शहद जमा किया है हनीबीस ने और ड्रोन बी भी है। अभी हर फ्रेम को हम चेक करूंगा। इसमें तो कोई एगलिंग नहीं मिला मुझे। अभी हम दूसरा फ्रेम को चेक करूंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने हाथ में ग्लोव्स भी नहीं पहन लिया, फिर भी हनीबीस मुझे नहीं काट रहा है। इसमें भी शहद से भरा हुआ है, लेकिन कोई एगलिंग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और क्वीन भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स हमारा चैनल का यही मकसद है कि हनीबीस को सेफ करना है, क्योंकि हनीबीस हमारा इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग 75% पॉपुलेशन ये मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त होता है, और मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त हुए ओरिजिनल ऑर्गेनिक शहद हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही उपकारी है। आयुर्वेदा में हनी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ये बहुत बीमारी का शिफा करता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मुझे एगलिंग दिखाई दे रहा है। ये हर सप्ताह में एगलिंग है। इसमें हमारा डिवीज़न सक्सेस हुआ है। ये प्यूपा स्टेट में है। हम कैमरा को थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए हर सप्ताह में एगलिंग है। अभी हम क्वीन बी को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर मिल जाएगा तो हम आपको दिखाऊँगा। बाहर नेचुरल परिवेश से बी कॉलोनी को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए अगर
आप सही टाइम पे डिवीजन करेंगे तो एक बी बॉक्स से आप दो तीन बी बॉक्स आसानी से तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी बहुत सुंदर एगलिंग है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही खुशी मुझे लग रहा है। आज नेचुरल परिवेश से जब आप कैप्चर करने जाओगी बहुत ही मुश्किल होता है कैप्चर करना। मार्च मंथ का पहले हमने इन बी बॉक्स को डिवीजन किया था। हर बी बॉक्स का क्वीन बी का डेट ऑफ मंथ और ईयर आपको किसी भी छोटा खाता में नोट करना है, नोटबुक में। दो तीन साल एक क्वीन बी जिंदा रहता है, दो साल के बाद हर क्वीन को रिमूव करने से बी बॉक्स स्ट्रॉन्ग रहता है। इसमें तो क्वीन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन 100% हम श्योर है इसमें क्वीन है। ये एपिस रनाइंडिका देशी मधुमक्खी बहुत ही शांत प्रकृति का होता है फ्रेंड्स। ये एशिया मुल्क में अवेलेबल मिलता है, ये एक्स्ट्रा जगह भी नहीं लेता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। मैंने घर का बरामदा में ये बी बॉक्स रख दिया, ये ज़्यादा काटता भी नहीं है और आपको माइग्रेशन भी नहीं करने का ज़रूरत होता है। शहद हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आजकल ओरिजिनल ऑर्गेनिक शहद मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप भी चाहे तो घर में आसानी से एक या दो बी बॉक्स पालन कर सकते हैं और ओरिजिनल ऑर्गेनिक शहद घर में उत्पादन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक्स्ट्रा छत्ता बनाया है, इसमें एगलिंग भी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वीन बी ने एगलिंग भी किया है। अभी इसमें एक्स्ट्रा फ्रेम देने का ज़रूरत होगा और इन छोटा बॉक्स से हम मधुमक्खी को ट्रांसफर करके थोड़ा बड़ा बॉक्स में डालूँगा। ज़्यादा ड्रोन बीस होने से क्वीन बी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एपिस रना इंडिका हमारा ये देसी मधुमक्खी का क्वीन का कलर भी ब्लैक कलर का होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज में थोड़ा बड़ा होता है ड्रोन बीस से। अगर इसमें क्वीन नहीं होता तो इसमें कोई एगलिंग नहीं होता। अगर लेइंग वर्कर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता तो इसमें एक सप्ताह में दो तीन अंडे होता। ये मधुमक्खी पालन करना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंथ में दो बार चेक करने से आप आसानी से पालन कर सकते हैं एक या दो बी बॉक्स, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगता है। आप हमारा चैनल में जो वीडियो मैंने डाला है वो अगर देखेंगी तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कैसे घर में बी बॉक्स बनाना है और नेचुरल परिवेश से कैसे हनी बी को कैप्चर करना है और कैसे डिवीजन करना है, वो भी हमारा चैनल में हमने दिखाया है फ्रेंड्स। अभी हम इसमें क्वीन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो हम आपको दिखाऊँगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये क्वीन बी है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपना बी बॉक्स में अच्छी तरह सर्वाइव कर रहा है, ये बहुत ही हेल्दी क्वीन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। हमारा ये डिवीजन सक्सेस हुआ है, अभी हम इसमें कुछ दिन के लिए क्वीन गेट लगा के रखूँगा फ्रेंड्स। अभी हम दूसरा बी बॉक्स को चेक करूँगा, अभी हम इसमें लगा के रखता हूँ फ्रेंड्स। ये हमारा एक दूसरा बी बॉक्स है, अभी हम इसको भी चेक करूँगा, मैंने एक साथ डिवीजन किया था, अभी हम इसको ओपन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा सत्ता बनाया है हनी बीस ने, इसमें अभी एक्स्ट्रा सत्ता देने का ज़रूरत होगा फ्रेंड्स। इसमें तेज़ी से बढ़ रहा है हनी बीस, शायद इसमें भी क्वीन हुआ है मेरा ख्याल से। अभी हम चेक करूँगा इन बी बॉक्स को, इसमें दो क्वीन सेल सहित मैंने डिवीजन किया था। हम क्वीन बी को ढूंढ रहा हूँ और कोई एगलिंग है या नहीं है वो भी चेक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी हम दूसरा सत्ता को चेक करूँगा, इसमें शहद से भरा हुआ है। इसमें कुछ दिन पहले हमने चेक किया, वर्कर भी बाहर से पोलन ला रहा है, पोलन लाने का मतलब यही होता है कि इसमें क्वीन है। जब एक कॉलोनी पूरी तरह
ठीक ठाक होगा तो हनी भी उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करता है और पोलन भी लाता है। शायद इसमें क्वीन है इसलिए लेइंग वर्कर्स प्रॉब्लम शुरू नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, हम क्वीन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। जब एक क्वीन नया बार्थ होता है वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ता है, उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, मैंने पहला जो बी बॉक्स चेक किया था उसमें बहुत ढूंढने के बाद मुझे क्वीन भी दिखाई दिया। हम आपको लाइव दिखाऊंगा, देखिए किस तरह वर्कर भी अपना पोलन को छत्ता में स्टोर करता है। आप देख सकते हैं एक वर्कर बीस आया है हेल्प करने के लिए। इन छत्ता में तो मुझे क्वीन भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन इसमें हम आपको क्वीन भी नहीं दिखा पाया। हम बाद में आपको जब वीडियो बनाऊंगा तब क्वीन भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी हम इन फ्रेम को यहाँ रख देता हूँ। हम फिर कोशिश कर रहा हूँ हाथ में लेके क्वीन बी को ढूंढने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, हनी भी थोड़ा एग्रेसिव मूड में है। अभी हम इन सत्ता को इन बी बॉक्स का अंदर रख दूंगा और जो हमारा दूसरा बी बॉक्स है वो चेक करूंगा। दो चेक किया और तीन बी बॉक्स है वो हम चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा उसमें क्या कंडीशन है। इसमें एक्स्ट्रा सत्ता देने का ज़रूरत होगा। अभी हम इसमें फाउंडेशन शीट लगा के एक एक्स्ट्रा फ्रेम दे दूंगा। फ्रेंड्स, ये हमारा एक तीसरा बी बॉक्स है। अभी हम इन बी बॉक्स को चेक करूँगा इसमें हमारा डिवीजन सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें ड्रोन बीस ज़्यादा है। ड्रोन बीस ज़्यादा होने से क्वीन को ढूंढना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें कोई एगलिंग नहीं है फ्रेंड्स इन छत्ता में, और क्वीन भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम दूसरा फ्रेम को चेक करूंगा। अब देख सकते हैं फ्रेंड ड्रोन भी कितना ज़्यादा हुआ है। इन छत्ता में भी कोई एगलिंग नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये क्वीन भी है। इसमें क्वीन भी बहुत ही हेल्दी नज़र आ रहा है मुझे। आप देख सकते हैं कितना स्पीड दौड़ रहा है। ये जब नया क्वीन होता है तो वो बहुत ही डरता है। हमने फर्स्ट टाइम ओपन किया इन क्वीन बार्थ होने के बाद इन बॉक्स को। अभी हम इनको यहाँ रख देता हूँ। इसमें हनी बीस मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है इसलिए एक फ्रेम को हम रिमूव करके हमारा जो पहले वाला जो हमारा बी बॉक्स है हमने चेक किया उसमें एक्स्ट्रा सत्ता बनाया था हनी बीस ने, वहाँ हम एक फ्रेम रख दूंगा। अभी हम इनको यहाँ रख देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स उन क्वीन को किस तरह दौड़ रहा था। फ्रेंड्स, अभी हम इन बी बॉक्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि इसमें क्वीन है। अभी हम इसको यहाँ रख देता हूँ और क्वीन गेट खोल के रखूँगा। शायद क्वीन बी ने ड्रोन बीस के साथ मीटिंग नहीं किया है। और हमारा जो चौथा बी बॉक्स है वो चेक करूँगा हम अभी। फ्रेंड्स, ये हमारा एक चौथा बी बॉक्स है। इसको भी हमने इस बार डिवीजन किया। हमारा दो क्वीन मिला। हमने तीन बी बॉक्स को चेक किया। फ्रेंड्स, इन बी बॉक्स में हमने कुछ दिन पहले चेक किया था, लैंग वर्कर प्रॉब्लम शुरू हुआ था इसलिए हमने यहाँ एक ताज़े अंडा सहित एक फ्रेम डाला है दूसरा बी बॉक्स से लाके। अब देख सकते हैं वर्कर भी इसने पोलन लाया है। फ्रेंड्स, इसमें
वर्कर बीस ने कुछ दिन के बाद यहाँ से एक ताज़े अंडे को सूस करके रॉयल जेली पिला के क्वीन नेसरली तैयार कर लेगा। अगर नेसरली नहीं तैयार करेगा तो हम एक दूसरा बी बॉक्स से एक क्वीन सेल यहाँ डाल दूंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें लेइंग वर्कर प्रॉब्लम शुरू हुआ था, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। ये देखिए एक ही सप्ताह में दो दो अंडे हैं और ये वर्कर भी इसने क्वीन बनाने की कोशिश कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये सब वर्कर बीस का अंडे है, इसमें से सब ड्रोन बीस निकल आएगा। लेइंग वर्कर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमने हमारा पहला वीडियो में दिखाया था, वो आप देख सकते हैं। ये लेइंग वर्कर प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत ही प्रोसेस है, हमने दो प्रोसेस दिखाया हमारा चैनल में, आप चाहे तो हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हनी बीज के साथ कैसे फ्रेंडली बिहेव कर रहा हो, फिर भी मुझे नहीं काट रहा है। ये एपिसराना इंडिका देशी मधुमक्खी बहुत ही शांत प्रकृति का होता है। अभी हम कुछ दिन के बाद ये बी बॉक्स चेक करके आपको दिखाऊंगा। अभी हम इसको रख देता हूँ, अभी हमारा पॉन्सम बी बॉक्स को चेक करूंगा। फ्रेंड्स इसमें हम चेक करूंगा, इसमें हमने तीन क्वीन सेल सहित डिवीजन किया था, ड्रोन सेल भी था और ड्रोन भी था। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा ख्याल से इसमें क्वीन भी है, इसलिए एक्स्ट्रा सत्ता बनाया है हनी बीस ने। फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी बी बॉक्स लग रहा है मुझे, शायद इसमें क्वीन है, फिर भी हम चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स मेरा आइडिया सही निकला है, इसमें आप देख सकते हैं ताज़े अंडे हैं, एक ही सप्ताह में एक ही अंडे है, इसका मतलब यही है कि इसमें हमारा डिवीजन सक्सेस हुआ है और इसमें एक हेल्दी क्वीन हुआ है। अभी हम क्वीन बी को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर मिल जाएगा तो हम आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारा चैनल में नया है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल में दिखाया जाता है एपिसराना इंडिका देशी मधुमक्खी घर में आसानी से कैसे पालन किया जाता है विदाउट माइग्रेशन। ये एपिसराना इंडिका देशी मधुमक्खी पालन करना बहुत ही इजी होता है फ्रेंड्स। ये सप्ताह गिर गया है लेकिन अच्छी तरह गिर गया है, कोई खराब नहीं हुआ है। इन सप्ताह को अभी हम यहाँ रख देता हूँ और बी बॉक्स को अच्छी तरह चेक करता हूँ, इसमें क्वीन दिखाई देगा तो हम आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स ये एपिसराना इंडिका देशी मधुमक्खी पालन करना बहुत ही आसान होता है, ये माइग्रेशन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। अभी हम श्योर है इन बी बॉक्स में क्वीन है, फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हो। ये देखिए हनी बीस ने कितना अच्छी तरह शहद जमा किया है और पोलन भी जमा किया है। आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने पास डिवीजन किया था, पास में से दो में हमारा डिवीजन सक्सेस हुआ है और एक में हमने क्वीन भी देखा लेकिन अंडे नहीं है, और एक में लेइंग वर्कर प्रॉब्लम शुरू हुआ था और एक में हमने क्वीन भी नहीं देखा और एगलिंग भी नहीं देखा, उसमें शायद क्वीन है लेकिन क्वीन मेटिंग नहीं किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये क्वीन भी है, बहुत ही हेल्दी क्वीन है, ये अपना बी बॉक्स में सरवाइव कर रहा है और एगलिंग कर रहा है। अभी हम इसको यहाँ रख देता हूँ और एक्स्ट्रा फ्रेम हम यहाँ डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।